प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मानिक मोहल रतन मई झलकत जोत आकाश, नूर पूरन पूर भरिया खोल दीख नैन प्रकाश। मानिक मोहलों की सुंदर शोभा, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारी जहाँ संपूर्ण होती है, उनके आगे घेर कर बगीचों की सुंदर शोभा, बगीचों के आगे एक हाथ में घेर कर माणिक महलों की सुंदर शोभा आई है। नूरमयी रत्नों से झिलमिलाती ये शोभा, इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। 12,000 हवेली जहां पूरी हुई, इस हवेली के साथ आगे थंबों की हार रोज छोड़कर कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोस आई है। इस रोस से कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी बगीचों की रोस आई है। 12,000 हवेलियां जहां संपूर्ण होती हैं, इन हवेलियों के भीतरी तरफ 100 कोस की रोस घेर कर आई है और रोस के किनार पर नूरमयी थंबों की शोभा है। नूरमयी माणिक के अति सुंदर ये थंब इन रोस से 3 सीढ़ियां 50 कोस की रोस पर उतरी हैं। 50 कोस की चौड़ी और घेर कर तो 12,000 हाथों में ये रोस फिरी है। पुनः इन रोस से 3 सीढ़ियां बगीचे की रोस पर उतरती हैं। ये रोस भी 50 कोस की चौड़ी आई है। इसके आगे कमर भर नीचे 200 कोस का चौड़ा बगीचा आया है। भीतरी जो 50 कोस की रोस थी बगीचे की रोस, इनके आगे 200 कोस की चौड़ाई ली और घेर कर 12,000 हाथों में 12,000 बगीचे शोभायमान है। बगीचों के भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस, इससे कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस माणिक महल के चबूतरे के साथ लगती हुई चारों तरफ घेर कर आई है। बगीचों की शोभा को पार करेंगे तो कमर भर ऊंची बगीचों की रोस 50 कोस की, पुणे 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो 50 कोस की रोस, और ये रोस माणिक महल के भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। इन शोभा को अन्य नक्शे से भी देखने का प्रयास करते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से ये शोभा देखने का प्रयास करते हैं। हवेलियां जहां संपूर्ण हुई, इन हवेलियों के आगे 100 कोस की रोस आई है और रोस के किनार पर नूरमयी थंबों की हारे आई हैं। यहां से 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की रोस पर आएंगे, चौड़ाई में 50 कोस और घेर कर तो 12,000 हाथों में आई है। पुनः यहां से 3 सीढ़ी उतरेंगे, बगीचों की रोस पर आएंगे, 50 कोस की चौड़ी और घेर कर 12,000 हाथों में ये रोस फिरी है। बगीचों की रोस से 3 सीढ़ी नीचे बगीचे आए हैं, 200 कोस में विस्तार लिए, एक हाथ में एक बगीचा ऐसे घेर कर 12,000 बगीचे आए हैं। एक एक बगीचे में बेशुमार बगीचे नहरी च बच्चों की अति सुंदर शोभा। इन बगीचों को पार करेंगे, 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचों की रोस पर आएंगे, उन्हें 3 सीढ़ी चढ़कर 50 कोस की रोस पर आएंगे। ये रोस, ये जो माणिक पहाड़ का भूमबर ऊंचा चबूतरा है, ये हरे रंग का निशान है भूमबर ऊंचे चबूतरे का, जिन पे माणिक महलों की शोभा आई है। भीतरी जो 50 कोस की रोस है, भूमबर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। ये देखिए सीढ़ियां चढ़ती हुई। बारह हजार की 12,000 हारे हवेलियों की जहां संपूर्ण होती है, इनके भीतरी तरफ 100 कोस की रोस, रोस के आगे थंबों की हार, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की रोस पर आएंगे, पुनः 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों की रोस पर आएंगे। आगे बगीचों का विस्तार, सुंदर शोभा बगीचों की, नहरे च बच्चे, नूरमयी फूलों के फलों के वृक्षों की सुंदर शोभा। इन बगीचों को पार करेंगे तो बगीचों की रोस, उनसे कमर भर ऊंची रोस जो भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ फिरी है, इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महलों की शोभा आई है। महाराज शिव जी आगे वर्णन कर रहे हैं, हां सांस से कमर भर की सीढ़ी रोस पर उतरी है। शोभा देखी थी, बगीचे पार किए, 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचे की रोस पर आए,
वहां से तीन सीढ़ी चढ़कर भीतरी रोंस पर आए 50 कोस की। ये रोंस भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। अब इन रोंस से जो भीतरी रोंस है उनसे तीन सीढ़ियां हांस हांस में बगीचे की रोंस पर उतरी है। आगे शोभा है, भीतरी 50 कोस की रोंस पर 33 कोस का चबच्चा है, इसी रोंस से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है। अब भीतरी जो 50 कोस की रोंस घेर कर आई है इनमें चबच्चे की शोभा है, 33 कोस के लंबे चौड़े चबच्चे की शोभा, और यहां से भूम भर की सीढ़ियां भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी है, ये सीढ़ियों का निशान। दोनों रोंसों से कमर भर नीचे 12,000 बगीचे हैं। 50 कोस की रोंस भीतरी रोंस जो भूंबर ऊंचे चबूतरे के साथ आई है, 50 कोस की रोंस बगीचे की रोंस, ये दो रोंसे, इन दोनों रोंसों से कमर भर नीचे बगीचों की शोभा आई है। घेर कर 12,000 बगीचों की शोभा, इन बगीचों में नहरी चबच्चे फुहारे अपरंपार आए हैं। हर एक हांस में एक बगीचा आया है। दो बगीचों की सद में माणिक मोहल की तरफ की रोंस के साथ लगकर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड आया है। दो बगीचों की सद में, दो बगीचों की जहां सद है, इन सद के सामने माणिक पहाड़ की भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ जो 50 कोस की रोंस आई है, इन रोंस पर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है। इन पिक्चर में देखें कुंड की शोभा। कुंड के तीन तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोंसे आई हैं। कुंड के तीन तरफ घेर कर रोंसों की शोभा आई है। इन नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करें। दो बगीचों की सद के सामने माणिक पहाड़ के जो भूंबर ऊंचे चबूतरे के साथ रोंस आई है, वहां पे 33 कोस का लंबा चौड़ा बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा कुंड आया है। इन कुंड को घेर कर रोंस की शोभा आई है। कुंड के तीन तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोंसे आई हैं। कुंड के सामने नहरें जाती हैं। कुंड के ठीक सामने नहरों की शोभा आई है। नहरों के दाएं बाएं भी रोंसे आई हैं। इस प्रकार से 12,000 कुंड और नहरें आई हैं। 12,000 घेर कर कुंडों के निशान, कुंडों के ठीक सामने नहरें जाती हुई, नहरों के दाएं बाएं भी रोंसों की शोभा आई है। 12,000 कुंड और सामने नहरें जाती हुई 12,000, कुंडों के ठीक सामने नहरें, भूंबर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा, भूंबर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, बगीचों के मध्य से दोनों तरफ की रोंसों से सीढ़ियां बगीचों में उतरी हैं। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली। इन नहरों के दोनों ओर भी रोंसे आई हैं। इन रोंसों से तीन तीन सीढ़ियां बगीचों में उतरी हैं। इन नहर की शोभा देखिए, दाएं बाएं रोंस, इन रोंस से बगीचे की तरफ सीढ़ी उतरती हुई दूसरी तरफ की रोंस से भी बगीचों में तीन सीढ़ियां उतरी हैं। माणिक महल तरफ जो 50 कोस की रोंस आई है, इन रोंस से भूम भर का ऊंचा चबूतरा माणिक महल का 12,000 हांस का आया है। भीतरी तरफ जो रोंस आई है जिनमें कुंडों की शोभा है, भूम भर की सीढ़ियां हैं, इन रोंस की भीतरी तरफ भूम भर का ऊंचा चबूतरा माणिक महल का घेर कर 12,000 हांसों में उठा है। माणिक महल के चबूतरे के हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई माणिक महल के चबूतरे के ऊपर, भीतरी रोंस से भूम भर ऊंचा चबूतरा माणिक महल का हांस के मध्य भाग से सीढ़ियां चढ़ती हुई। माणिक महल का ये चबूतरा
12,000 हाथों में घेर कर गृध्वाई शोभायमान है। हाँ पचास कोस की रोज पर इस चबूतरे के 12,000 हांस आए हैं। एक हांस 133 कोस का होता है। गृध 16 लाख कोस की आई है। इस चबूतरा के तीन हिस्से होते हैं। ये जो भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा, इन चबूतरे के 12,000 हांस आए हैं। एक हांस यहाँ पर 133 कोस का है। इन चबूतरे की जो गृध है वो 16 लाख कोस की है। इस चबूतरा के तीन हिस्से हुए। एक हिस्से के मध्य भाग में चबूतरा आया है, दूसरे हिस्से में फिर दाएं बाएं भूंबर नीचे वन, तीसरे हिस्से में माणिक महल आया है। भूंबर ऊंचे इन चबूतरे के 12,000 हांसों में गृधवाई इन चबूतरे के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्से में मध्य भूंबर ऊंचा चबूतरा आता है, दूसरे हिस्से में घेर कर बगीचे आते हैं भूंबर नीचे, और तीसरे हिस्से में भूंबर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर माणिक महलों की शोभा आती है। इन शोभा को अन्य नक्शों से भी दिखते भूंबर ऊंचे चबूतरे के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्से में माणिक महल, दूसरे हिस्से में बगीचे, तीसरे हिस्से में भूंबर ऊंचा चबूतरा। महर्षि आगे वर्णन कर रही है। चबूतरे के मध्य भाग में 100 कोस के एक महल के दाएं बाएं 33 33 कोस की त्रिपोली आए हैं। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 मोल आए हैं, और 12,000 त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्ज आए हैं। माणिक महल का जो ये भूंबर ऊंचा चबूतरा आया है, इन चबूतरे पर मध्य भाग में 100 कोस का लंबा चौड़ा मोहल आया है। मोल के दाएं बाएं त्रिपोली आए हैं। ये त्रिपोली 33 कोस के हैं। 12,000 हवेलियों के ठीक सामने 12,000 माणिक महल आए हैं, और त्रिपोलियों के ठीक सामने गोल गुर्जों की शोभा आई है। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, त्रिपोलियों के सामने गुर्जों की शोभा। इन प्रदर्शन से समझने का प्रयास करते हैं। माणिक महल का भूंबर ऊंचा चबूतरा, मध्य 100 कोस में महल की शोभा, हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, 12,000 हांसों में 12,000 माणिक महल, त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्जों की शोभा। महाराष्ट्र जी आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। गुर्जों में 6 मेहराबे आई हैं। 3 मेहराबे तो बाहरी रोस पर, 3 मेहराबे 2 मोहलों के बीच की जगह पर आई है। इन गुर्जों में, गोल गुर्जों में 6 मेहराबे आई हैं। 3 मेहराबे तो रोस पर, और 3 मेहराबे 2 गुर्जों के मध्य जो जगह आई है वहां पर आई है। हर एक मोहल के 5 दरवाजे और जरोखा आया है। एक दरवाजा बाहरी बगीचों की तरफ, 2 दरवाजे पाके की गली तरफ, 2 दरवाजे एक चरोखा भीतरी बगीचों की तरफ आया है। इन माणिक महल में खड़े हैं, बाहरी बगीचों की तरफ देखते हैं तो 2 दरवाजे एक चरोखे की शोभा। इसी तरह से भीतर की तरफ भी देखते हैं तो 2 दरवाजे एक चरोखे की शोभा, और दाएं बाएं पाके की दीवार में भी एक एक दरवाजे की शोभा आई है। इन माणिक महल की ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। घेर कर ये आए ये माणिक महल, इनकी ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। इस महल के चबूतरे के चारों तरफ से मध्य हाथ से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन में सुंदर शोभा, माणिक महल का जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है,
12,000 हाथों में गिरदवाए जिनके तीन हिस्से हुए। ठीक मध्य में भूंबर ऊंचा चबूतरा चबूतरे को घेर कर बगीचे और भूंबर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महलों की एक हार। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महलों की शोभा और त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्जों की शोभा। गोल गुर्जों में 6 दरवाजे हुए, 3 बाहरी रोज पर और 3 दरवाजे भीतर, 2 माणिक महलों के मध्य जो जगह है वहां खुलते हैं। माणिक महल की शोभा देखते हैं तो भीतर बगीचों की तरफ और बाहरी हार बगीचों की तरफ जरोखों की शोभा, दो दो दरवाजों की शोभा, 2 दरवाजे पाखे की दीवार में। इन चबूतरे से हांस के मध्य भाग में भीतर बगीचों की तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। इन मालिक मोहल्लों की ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। इस मोहल के चबूतरे से चारों तरफ मध्य हाथ से भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह कठेड़ा आया है। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीतर तरफ के बगीचों में जाइए। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीतर तरफ के इन बगीचों में आए। दाएं बाएं 2 रो से घेर कर आई हैं। इन बगीचों में हैं तो देखेंगे दाएं बाएं 2 2 रो से हैं। बगीचे बगीचे के दाएं बाएं 50 कोस की कमर भर ऊंची बगीचों की रोस और उन रोस से पुनः कमर भर ऊंची 50 50 कोस की रोसे। तो दाएं बाएं की रोसों को छोड़कर बीच में बगीचे आए हैं। हाँ सांस की जगह पर नहरें आई हैं, नहरों के दाएं बाएं रोसे आई हैं। हाँ सांस पर इन बगीचों में नहरों की शोभा आई है। इन नहरों के दोनों रोसे आई हैं, उन रोसों से बगीचों में सीढ़ियां उतरी हैं। इन बगीचों के बीच में नहरें फुहारे छह बच्चे अपरंपार शोभा ले रहे हैं। इन बगीचों के मध्य भाग में हां सांस पे रोज से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। इन बगीचों के दाएं बाएं जो बगीचों की रोस आई है उन रोस से बगीचों में कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं। इसी बगीचा के दाएं बाएं रोसी आई हैं, रोस के दोनों ओर भूम भर ऊंची चबूतरी हैं। ठीक मध्य में 200 कोस में बगीचा, बगीचे के दोनों तरफ कमर भर ऊंची बगीचे की रोस, उनसे कमर भर ऊंची रोस, इन रोस के दोनों तरफ माणिक महल की तरफ भी देखते हैं तो भूंबर ऊंचा चबूतरा ये सीढ़ियां चढ़ती हुई, भीतर की तरफ भी देखते हैं तो भूंबर ऊंचे चबूतरे की शोभा आई है। रोस के दोनों तरफ भूंबर ऊंचे चबूतरे हैं। माणिक मोल के चबूतरे से जो सीढ़ी उतरी है इसी रोस पर उतरी है। इन रोस के दोनों तरफ भूंबर ऊंचे चबूतरे और माणिक महल से जो भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं वो इन्हीं रोस पर उतरी हैं। दूसरी रोस से जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है हां सांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है तो सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर जाइए। दूसरी तरफ देखते हैं इन रोज से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। हां सांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आइए। चबूतरा के किनार पर 12,000 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। चबूतरा के किनार पर 12,000 थंब सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरमयी कठेरे की शोभा। इन चबूतरे के तीन हिस्से हुए। मध्य के हिस्से में पानी का स्तून आया है जो टापू महल की चांदनी पे गया है। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं बगीचा कमर भर नीचे आया है, ये बगीचे 12,000 है। तीसरे हिस्से में दाएं बाएं गिलंग बिछी है। इन चबूतरे के तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जल का स्तून है जो चांदनी पे जाके खुलता है।
दूसरे हिस्से में दाएं बाएं कमर भर नीचे बगीचे आए हैं। घेर कर ये बगीचे 12,000 हाँसों में, प्रत्येक हाँस में बगीचा घेर कर 12,000 बगीचे आए हैं। और तीसरे हिस्से में गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभाई है। स्तून से 12,000 फुहारे छूट रहे हैं। जो मध्य में जल का स्तून है, उनसे 12,000 फुहारे छूटते हुए। चबूतरे के किनार पर जो 12,000 थंब आए हैं, इन थंबों की ऊंचाई 11,980 भौम तक आई है। वहां पर मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। चबूतरे के किनार पर 12,000 थंब, और ये थंब 11,980 भौम ऊंचे हैं। 11,980 भौम ऊपर से हिंडोले आते हुए ऊंचे अत्यंत ये हिंडोले 11,980 भौम से इन झूलों की शोभा। इन स्तून की जब 11,980 भूम पूरी हुई, तब चारों तरफ छज्जा निकला। तीन छज्जा ने आके माणिक महल से मिलान किया। मध्य चबूतरे पर स्तून और किनार पर आए थंब की जब 11,980 भूमें पूरी होती हैं, तो छत होती है। 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आते हुए यहाँ पर छज्जा निकलता है। छज्जे माणिक महलों से मिलान कर लेते हैं। माणिक महल और हवेलियां छज्जे निकाल के आपस में मिलान कर लेते हैं। 11,980 भौम ऊपर आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। 12,000 की 12,000 हवेलियां अपनी जगह जा रही थी ऊपर, माणिक महल भौम दर भौम ऊपर जा रहे थे, और ये मध्य चबूतरा अब आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। इस स्तून की जब 11,980 भौम पूरी हुई, तब चारों तरफ छज्जा निकला। तीन छज्जे ने आकर माणिक महल से मिलान किया। नीचे से छत ऊंची 11,980 भौम पर आई है। यहां तक माणिक महल के झरोखे दरवाजे अलग अलग रहे, आने जाने का रास्ता नहीं था। अब इसके ऊपर 20 भौम और आई हैं, जो मिलती हुई आई हैं। ऊपर 20 भौमें और आती हैं, ये मिलान करती हुई आती हैं। अब बगीचों की जो जगह थी, वहां पर दहलानों की शोभा हुई। हवेलियां पार करें, दहलान को पार करें, आगे माणिक महल, फिर दहलान को पार करें। ठीक मध्य में भौम भर ऊंचा चबूतरा था, अब यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा होगी। अब इसके ऊपर 20 भौम और आई हैं, जिससे आ जा सकते हैं। इन 20 भौमों में कमर भर ऊंचा चबूतरा बगीचे नीचे की भांति आए हैं। जो कमर भर ऊंचा चबूतरा था, उन पर बगीचों की शोभा आई है। इसी तरह से बनक 20 भूम तक आई है। ऊपर एक ही चांदनी बराबर 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी आई है। इस तरह से भूम दर भूम 20 भूमें और पड़ती हैं, और ऊपर एक चांदनी हो जाती है 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी। ऊपर की 20 भूमों में जो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जिनके किनार पर पहले थंब आए थे, यहाँ कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। ठीक मध्य में जलस्तून अपनी जगह जा रहा है, और घेर कर बगीचे आए हैं। बगीचों को घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा आई है। इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई। 12,000 की 12,000 हारे हवेलियों की जहाँ संपूर्ण होती है, उनके भीती तरफ 100 कोस की रोंस आती है। रोंस के भीती तरफ किनार पर नोरमई थम, यहां से 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की रोंस पर आते हैं। पुनः 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पर आते हैं। आगे 200 कोस में बगीचों का विस्तार है। नहरे चबच्ची बगीचों की अपरंपार शोभा। बगीचे पार करते हैं, 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचों की रोंस पर, पुनः 3 सीढ़ी चढ़कर
50 कोस की भीतरी रोस पर आते हैं। इन्हीं रोस से भूम भर की सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और हांस के मध्य भाग में सीढ़ियां चढ़ी है और हांस हांस में यहां पर कुंडों की शोभा हुई है। इन कुंडों से 12,000 नहरें निकल रही हैं, 12,000 कुंड, 12,000 नहरें। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं तो देखते हैं 12,000 हांसों में गृदवाए इन चबूतरे के तीन हिस्से हुए। ठीक मध्य हिस्से में भूमबर ऊंचा चबूतरा 12,000 हांसों में गृदवाए इनको घेरकर 12,000 बगीचे भूमबर नीचे, फिर घेरकर 12,000 माणिक महल भूमबर ऊंचे चबूतरे पर। तो इन चबूतरे के मध्य में 200 कोस का लंबा चौड़ा माणिक महल हुआ। 12,000 हांसों में हवेलियों के ठीक सामने माणिक महलों की शोभा और त्रिपोलियों के सामने गुर्जों की शोभा। गुर्जों में 6 दरवाजे हैं, 3 तो बाहरी रोंस पर, 3 दो माणिक महलों के मध्य में जो स्थान है 3 दरवाजे वहां खुलते हैं। माणिक महल इनकी भूम दर भूम 12,000 भूमें आई हैं। भूम भर की सीढ़ियां उतरकर 50 कोस की रोंस पर आए, 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पे, आगे 200 कोस में बगीचों का विस्तार। बगीचों की रोंस पार की, पुनः 3 सीढ़ी चढ़ के रोंस पर आए। इन रोंस से भूमबर की सीढ़ियां इन गोल चबूतरे पर चढ़ी हैं। भूमबर सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए, किनार पर 12,000 थम्ब। ठीक मध्य में जल स्तून जिनसे 12,000 फुहारे छूटते हुए घेर कर बगीचे 12,000, बगीचों को घेर कर बैठन के सुंदर स्थान। ये जल स्तून और ये थम 11,980 भूम ऊपर गए हैं। 11,980 भूम ऊपर जाके छत हुई है और वहां से लंबे हिंडोलों की शोभा। 11,980 भूम ऊपर इन छत से चारों तरफ छज्जे निकलते हैं जो घेर कर आए माणिक महलों से मिलान कर लेते हैं। माणिक महल घेर कर आई 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों से मिलान कर लेते हैं। अब आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। हवेलियों से भीतर चलेंगे तो जो बगीचों की जगह थी वहां पर खुली जगह दहलान की शोभा, इन्हें पार करेंगे आगे माणिक महल, माणिक महल को पार करेंगे, बगीचों की जगह पार करेंगे तो ठीक मध्य में जहाँ ये भूम भर ऊंचा चबूतरा है जिन पर 12,000 थम्ब आए हैं किनार पर, वहां पे कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। जल का स्तून अपने स्थान पर जा रहा है, घेर कर बगीचे आए हैं, बैठक आए हैं। ऊपरा ऊपर ऐसे 20 भूम शोभा और आती है। 12,000 भूम ऊपर जाके 16,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी बराबर हो जाती है।